पूछो कितना अमेजिंग टी शर्ट की आते हैं भाई 300 के अंदर में। और 48 मिनट आ गया हमारे पास, और इसमें भाई आपको 1, 2, 3 टी शर्ट मिलते हैं। कितना प्राइस देगा ना वो आपका दिमाग हिला देगा। फर्स्ट अगर टी शर्ट के कलर की बात करें तो एक है नेवी ब्लू कलर का टी शर्ट, दूसरा है व्हाइट कलर का टी शर्ट, तीसरा है भाई ब्लैक कलर का टी शर्ट। टी शर्ट की अगर क्वालिटी की बात करें, पूरा टी शर्ट पॉलिएस्टर मटेरियल का बना हुआ है, राउंड नेक मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, सारे सॉलिड टी शर्ट है। और भाई ये हमने एक्सल साइज लिया है, और सच बताऊ साइजिंग एस और एम के बीच की आती है, तो भाई फुल घपला है साइजिंग को लेकर। अगर ले रहे हो तो सोच समझ कर लेना। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें, देखो पॉलिएस्टर वाइज ठीक ठाक लगती है, क्योंकि इन तीनों टी शर्ट के लिए भाई हमने महज 250 रुपए पे किए। भाई 250 रुपए में आपको 3 टी शर्ट मिल रहे हैं, घर तक डिलीवरी हो रही है, और पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप देख लो। रेगुलर यूज के लिए ये उतना फिट नहीं होता टी शर्ट, लेकिन अगर आप जिम विम जाने के लिए कुछ एकदम सस्ता बढ़िया सा टी शर्ट खोज रहे हो, इसके लिए जा सकते हो। वापस से साइजिंग ध्यान में रखना। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास, मैं फॉलो बड़े से निकालते हैं, और इस टी शर्ट को देख कर ना भाई आपको मजा आ जाएगा। एंड सच में मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था कि भाई 300 के अंदर में क्या क्या चीजें मिल रही है। रेड कलर का ओवर साइज टी शर्ट जो की 1 पीस के प्रिंट के साथ आता है भाई, राउंडिंग मिलेगा, फुल स्लीव मिलेगा, फैब्रिक की क्वालिटी भाई 300 रुपए के हिसाब से ना काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। ये भी हमने एक्सेल साइज लिया है। लेफ्ट चेस्ट पे आपको 1 पीस की प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी, प्रिंटिंग की क्वालिटी प्राइस वाइज काफी ज्यादा अच्छी है, वैसे बहुत तगड़ी नहीं मिलेगी आपको। बैक की तरफ देखोगे तो भाई इस डिजाइन में भाई मेरा दिल आ गया, बड़ा सा 1 पीस लिखा हुआ, और नीचे आपको लूफी देखने को मिल जाएगा ये ऐसा पंच करते हुए, काफी ज्यादा कूल है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप अच्छे से देख लो। डेफिनेटली कलर थोड़ा ब्राइट है। ओवरऑल अगर बॉडी फॉल की भी बात करें ना, आप इन सारे वीडियो में जितने भी टी शर्ट देखोगे उससे आप वो क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1000-1000 रुपए के टी शर्ट में आते हैं, लेकिन प्राइस वाइज डिजाइन वाइज काफी ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया, फटाफट इसे भी निकालते हैं, और ये है एक ब्लैक कलर का खूबसूरत सा टी शर्ट। बेसिकली जितने भी आज के टी शर्ट के डिजाइन होते हैं ना, सब में एक ही चीज होती है, प्रिंटिंग प्रिंटिंग एंड प्रिंटिंग, सबकी अलग अलग प्रिंटिंग, अलग अलग डिजाइनिंग, और उसके हिसाब से अलग अलग पसंद आता है सबको। इसमें भी आपको राउंडिंग मिलेगा, फुल स्लीव मिलेगा, ये भी एक ओवर साइज टी शर्ट जैसा बनाया गया, लेकिन काइंड ऑफ समझो कि रिलैक्स्ड फिट जैसा आएगा। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक छोटू से एंग्री पैंडा की डिजाइनिंग देखने को मिलेगी, और बैक में आपको यही पैंडा एक बड़े साइज में देखने को मिलेगा। भाई 300 रुपए के अंदर में इतनी बड़ी प्रिंटिंग देना काफी ज्यादा बड़ी बात होती है, एंड कुछ हद तक ना प्राइस वाइज क्वालिटी टी शर्ट अच्छी मेंटेन कर रही है। डेफिनेटली अगेन बहुत हाई क्वालिटी आपको फील नहीं होगा, मे भी ऐसा हो कि 1 महीने तक ही चले ये टी शर्ट, या मे भी बहुत लंबा भी चल सकता है, कोई ठीक नहीं। फैब्रिक की अगर क्वालिटी की बात करें, यहाँ पर आपको कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन टच एंड फील से पता चलता है कि कॉटन एंड पॉलिएस्टर का ब्लेंड है। प्रिंट को अगर खींच कर भी ट्राई करूं ना तो ऐसा फटता नहीं है, प्रिंटिंग सच में ना थोड़ी सी अच्छी इन्होंने रखी है। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, 300 रुपए के हिसाब से भाई बहुत तगड़ी चीज है, हंस के जा सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट भाई फटाफट से निकालते हैं। सारे टी शर्ट में एक बात तो है, देखो जब आप इतना प्राइस कम पे कर रहे होते हैं ना भाई, थोड़ा सा डर लगता है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। लिटरली भाई मुझे भी डर लगता है जब मैं 300 रुपए के अंदर के टी शर्ट खरीदता हूँ। इसी डर को मिटाने के लिए भाई हम ये वीडियोस बनाते हैं, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो पाए, और मेरी हेल्प करना चाहते हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना। ऑलराइट, अगर इस टी शर्ट की बात करें, ब्लैक कलर का पूरा टी शर्ट है, और पकड़ते ही साथ ना भाई कपड़ा काफी रद्दी जैसा फील हो रहा है। हम आपको अच्छे से बताते हैं, राउंड मिलता है, फुल स्लीव मिलता है, ओवर साइज टी शर्ट बनने की कोशिश कर रहा है ये टी शर्ट, लेकिन ये थोड़ा सा रेगुलर फिटिंग जैसा आएगा। लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी, बैक की तरफ देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग मिलती है। अब मैं इस एनिमे कैरेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहा, मेरे को थोड़ा सा नारुतो जैसा लग रहा है, लेकिन ओवरऑल प्रिंट की क्वालिटी की बात करें थर्ड क्लास है, क्योंकि हमने अभी अच्छे अच्छे टी शर्ट देखे हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या लगी इस टी शर्ट में ना, इसका जो राउंड नेक है काफी ज्यादा ना चौड़ा है, काफी गंदा सा लग रहा था जब मैंने इसे पहना, और काफी लूज लूज सा भी था, तो एकदम काफी पियो और इसको एकदम भूल जाओ नहीं जाने का। ऑलराइट, कौन सा पिज्जा, फटाफट निकाल दे भाई नेक्स्ट टी शर्ट को, जस्ट लुक एट दिस। यस, इसमें थोड़ी सी क्वालिटी फील हो रही है, राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, लेफ्ट चेस्ट पे आपको एक बड़ी सी टेक्स्टोग्राफी प्रिंट देखने को मिल जाएगी, लिखा हुआ नोबडी, और बैक में आपको एक बड़ा सा गैंगस्टर टाइप का प्रिंट मिलता है, लिखा हुआ ऊपर में ट्रस्ट, और नीचे एक मास्क मैन जैसा बनाया गया है। प्रिंट की क्वालिटी की बात करें काफी ज्यादा अच्छी है प्राइस वाइज, फैब्रिक की क्वालिटी की बात करें अगेन प्राइस वाइज काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि ये सारी टी शर्ट बस कहने को 300 के अंदर में, कोई 150 का है, कोई 250 का है, कोई 200 का है, अंदर में आपको ब्रांड टैग भी देखने को मिल जाता है, एल साइज हमने लिया है। पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीज आप पीछे देख लो, डेफिनेटली समर में व्हाइट कलर बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे आप पे, और मेजर जो आपको प्रॉब्लम आएगी ना थोड़ी मोड़ी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का फॉल करता बॉडी में, हम लिटरली 300 भी नहीं पे कर रहे इन सारे टी शर्ट के लिए, उस हिसाब से भाई अच्छी चीज।
चीज है। All right, next t-shirt आ गया हमारे पास, मरून कलर का एक बहुत खूबसूरत सा टी-शर्ट है। ये पर्सनली कलर ना मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, पूरा सॉलिड टी-शर्ट है, यानी कहीं भी आपको प्रिंटिंग नहीं मिलेगी। और जब प्रिंटिंग नहीं होती है, मैन्युफैक्चरर के पास एक स्पेस होता है कि वो फैब्रिक को थोड़ा इंप्रूव कर पाते हैं। यहाँ पर प्रिंटिंग नहीं है, फैब्रिक आपको थोड़ी सी बेटर मिलेगी। टैग तो लिखा हुआ 100% कॉटन, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉलिएस्टर ब्लेंड अभी भी है। आगे पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीज आप पीछे देख लो। अगर आप कभी भी खुद से अफोर्डेबल शॉपिंग करो, ऑफलाइन या ऑनलाइन, हमेशा सॉलिड्स के लिए जाओगे तो थोड़ा बेटर प्रोडक्ट आपको मिलेगा। बाकी ये टी-शर्ट भाई 200 रुपए के अंदर का है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये एक भाई खूबसूरत सा और एक प्रिंटेड टी-शर्ट है, अगेन ओवर साइज बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा सा रेगुलर फिटिंग जैसा ही आएगा। राउंड नेक है, शॉर्ट स्लीव है, लेफ्ट चेस्ट आपको गैंगस्टर पैराडाइज लिखा हुआ मिल जाएगा, और बैक की तरफ अगेन वही गैंगस्टर वाली प्रिंटिंग, थोड़ी सी मोटी रबर जैसी प्रिंटिंग है। मतलब जिस एरिया में ये प्रिंटिंग है ना, आपके पीठ में थोड़ा ज्यादा पसीना आएगा। ओवरऑल अगर फैब्रिक की क्वालिटी की बात करें, नॉट द वेरी बेस्ट, लेकिन अगेन प्राइस के हिसाब से भाई ठीक ही ठाक मैं कहूंगा। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो, और ये भी आपको 300 के अंडर में मिल जाएगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Alright, next t-shirt आई हमारे पास में, आपको सोल स्टोर चाहिए, हम आपको सोल स्टोर दे रहे हैं भाई। जस्ट लुक एट दिस, एक बहुत खूबसूरत डार्क ग्रीन कलर का टी-शर्ट, राउंडिंग मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, पूरा ओवरसाइज टी-शर्ट है, और इसकी फिटिंग ना थोड़ी सी मुझे बेटर लगी। फर्स्टली अगर मटेरियल की बात करें, एक तो पॉलिएस्टर है, लेकिन काफी थिक मोटा सा पॉलिएस्टर यूज किया गया है, तो पहनने के बाद ना बॉडी में एक अच्छा सा फॉल आ रहा था। लेफ्ट चेस्ट पे आपको प्रिंटिंग देखने को मिल जाएगी डॉक्टर स्ट्रेंज, और बैक में भी देखोगे तो आपको बड़ा बड़ा प्रिंट देखने को मिलेगा डॉक्टर स्ट्रेंज का। ये एग्जैक्ट डिजाइनिंग द सोल स्टोर के टी-शर्ट से ली गई है, ब्रांड वाले भाई पक्का बहुत परेशान होते होंगे। अगर प्रिंटिंग की क्वालिटी की बात करें ना, ठीक ठाक है। ओवरऑल देखो टी-शर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये कॉटन नहीं है, बल्कि थोड़ा सा थिक पॉलिएस्टर है। जिम में जाने के लिए बढ़िया है, लेकिन डेली यूज के लिए मैं आपको शायद से रिकमेंड ना करूं। Alright, एक और खूबसूरत व्हाइट कलर का टी-शर्ट, ये एक रेगुलर टी-शर्ट है, नॉट मिलता है, शॉर्ट स्लीव मिलता है, और ये टी-शर्ट ना एक किसी ब्रांड से आता है जिसका नाम है DE, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ ना अच्छे से ब्रांडिंग कर रखी है। अंदर में DE का टैग देखने को मिल जाएगा, L साइज हमने लिया है, लेफ्ट चेस्ट पे भी आपको प्रिंटिंग देखने को मिलेगी ब्रांड की, और ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल से किया गया, यानी लाइट मारेगा झुक झुक तो आपका ये जलेगा एकदम भुक भुक। बाकी फ्रंट में आपको कोई और प्रिंटिंग नहीं मिलती, बैक की तरफ में आपको एक बहुत बड़ी प्रिंटिंग देखने को मिलेगी, एक इलस्ट्रेटेड आर्ट सा बना हुआ है, ऐसा जिग 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 करके। प्रिंट की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, पूरी फैब्रिक से मर्ज्ड है, लेकिन फैब्रिक की अगर एक्चुअल बात करें ना, आपको यहाँ पर पहले तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। कॉटन है, पॉलिएस्टर ब्लेंड है, थिकनेस थोड़ी सी पतली है, मतलब थोड़ा सा पारदर्शी टाइप फील होता है, भींग गया गलती से पसीने से तो मे भी आपकी स्किन भी दिख सकती है। बाकी पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ, ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। इस टी-शर्ट की फिटिंग थोड़ी मोड़ी अच्छी लगी मुझे। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट टी-शर्ट आ गया हमारे पास में। इस टी-शर्ट को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको महंगे महंगे टी-शर्ट चाहिए, उसकी भी हम वीडियोस लाएंगे। हम इस चैनल पे सारे प्राइस कैटेगरीज को कवर करते हैं, ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, तो अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर सस्ते अमेजिंग अमेजिंग डील्स चाहिए, हमें टेलीग्राम में फॉलो करके चाहिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ये है खूबसूरत सा पोलो शर्ट, लुक वाइज ना भाई काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में, सच बता रहा हूँ। नॉर्मल सा आपको कॉलर देखने को मिल जाएगा, दो बटन देखने को मिल जाएंगे, शॉर्ट स्लीव मिलता है। फर्स्टली फैब्रिक ना काफी ज्यादा इसका स्मूथ है, चेक्स पैटर्न आपको फ्रंट में देखने को मिलेंगे, और बैक की तरफ से ये पूरा व्हाइट है। ये शर्ट भाई सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, लेकिन प्रॉब्लम है इसकी फिटिंग में। लिटरली हमने इसे एल साइज लिया है, और पहनने के बाद एस जैसा लगता है, मेरे शोल्डर थोड़े से चौड़े हैं, इसे भी ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो मे भी आप अभी मुझे पहने हुए देख रहे होगे तो काइंड ऑफ फनी सा लग रहा होगा, लेकिन हाँ शर्ट काफी ज्यादा अच्छा है, साइजिंग में थोड़ा ध्यान देना। बाकी सारे प्रोडक्ट का लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस, बूम।